प्लस 12वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाका वीडियो में। आप लोग यहाँ बहुत सारे कमेंट आ रहे थे 12वीं के यहाँ पर आसान सा पेपर लगाओ, तो फाइनली आपका 12वीं का आसान सा पेपर आ चुका है, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना होगा स्टूडेंट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाका लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपने यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ आपको इस पेपर पढ़ना है। अगर आप यहाँ पर इस पूरी अच्छे तरह से पेपर पढ़ लेंगे तो जो आपका यहाँ 70 नंबर का पेपर, आपके 70 में यहाँ पर पैसा नंबर, यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, आपके यहाँ पर 70 में पैसा नंबर आने वाले पक्का लेवल स्टूडेंट। तो इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह रीड करना, मैं आपको पूरा पेपर कराने वाला हूँ यहाँ पर संपूर्ण हर साइज। तो यहाँ पर देते पूरा पेपर आपको यहाँ पर संपूर्ण हर साइज में कराने वाला, इस वीडियो पूरा देखना आपको वीडियो, ये आपके लिए यहाँ वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कच्चा 12वीं का यहाँ पर आसान पेपर ऑफर करा दो, फाइनली मैं आपका आसान पेपर लेके आ चुका हूँ। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित आपका पेपर देखने वाले हैं यहाँ पर आसान सा कच्चा 12वीं का। तो आपके यहाँ पर समाज 3 घंटे कराने वाला, आपको पूर्णांक यहाँ पर 70 कराने वाला, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। और दूसरा था प्रश्न के वहाँ 1 से 4 तक बस प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न यहाँ पर कितने नंबर का, तो देख लीजिए यह रहा आपके निर्देश। तो स्टूडेंट जो है आपके यहाँ पर आपके ज्यादा टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पर आराम से पेपर देखना, मैं आपको संपूर्ण सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प आते हैं 7 नंबर के। तो पहला आता है कैसेट पर होने वाली क्रिया ऑक्सीकरण, अवकरण और उदासीनीकरण रेडॉक्स, इसका आपके यहाँ पर अवकरण हो जाएगा। और बी आता ठोस एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, या किस प्रकार ठोस है आणविक आयनिक धात्विक साई सही हो जाएगा, तो इसका आपके यहाँ पर साई सही हो जाएगा, देख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ पर आता है सीमा शॉर्ट की त्रुटि के कारण कारण पदार्थ का घनत्व होता है, तो यहाँ पर इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा कम होता है, शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ घनत्व कम होता है, तो आपके पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए स्टूडेंट। में आपके यहाँ पर 3 करा दिए, फिर से देख लीजिए कैसे होने वाली क्रिया अवकरण और बीमा का आपके यहाँ पर हो जाएगा साई सही हो जाएगा, और शॉर्ट की त्रुटि के कारण पदार्थ घनत्व होता है कम। और आपके यहाँ पर आता है यहाँ पर संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो इसका आपके यहाँ पर संचार के समय प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सिल्वर, तो देख लीजिए। और आपकी ई माता किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ क्या होता है घटता है, किसी अभिक्रिया का वेग यहाँ पर अभिक्रिया प्रगति के साथ घटता है, यहाँ पर इसका आपका ई करेक्ट, यहाँ पर जो आपके ई माता है इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर घटता हो जाएगा। तो आपके 7 नंबर के सही विकल्प आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, मैं पूरा आपके यहाँ पर संपूर्ण सही पेपर कराने वाला, आपके पास जान टाइम बचा नहीं है, तो आप यहाँ पर अच्छे से देखिए और सुनिए, जिससे आपको पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपके यहीं पर याद होने चाहिए, आपको यहाँ पर दूसरा यानी कि आपको दोबारा याद ना करना पड़े, तो एक ही बार यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपका ऐप आता है किन आविष्कार के धातु कारण प्रकरण में यहाँ पर निस्तापित अयस्क कार्बन द्वारा अपचारित किया जाता है, हेमेटाइट कैलेमाइन यहाँ पर आयरन पाइराइट और स्पेलिफराइट, तो जो इसका आंसर है यहाँ पर स्टूडेंट है, तो इसका स्टूडेंट मुझे यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर डाउट था, तो यहाँ पर जिसको भी पता वो यहाँ पर कर सकता है, और यानी कमेंट कर देना जिसको भी पता हो। जी माता निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शन नहीं करता, तो इसका आपको जो है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शन नहीं करता, बिस्मात हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो आपकी सही है उसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, यहाँ पर पहली का आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर आंसर में यानी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बीमा स्क्रीन उखाड़ लीजिए, सीमा का आप यहाँ पर कर लीजिए, और डीमा का आप कर सकते हैं, और ई का कर लीजिए स्क्रीन शॉट, ऐप का कर सकते हैं, और जी का आप यहाँ पर स्क्रीन तो कर लीजिए, ये आपके यहाँ पर 7 नंबर की मैंने सही बार करा दी है संपूर्ण हर सहित। और चलिए आप आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, 7 नंबर के आते हैं बेपता जो जलीय बलन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो आपका इसका होने वाला बेपता जो जलीय बलन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट इसका जो आंसर है थोड़ा डाउट था, तो जिसको भी पता वो यहाँ पर बता देना कमेंट में, यहाँ पर पूरा खरीदना लिख देना कमेंट में आपको, और उसका यहाँ पर आंसर भी लिख देना है, जिससे आपको और स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में आ सके। तो आपका पहले यहाँ पर रेगिस्तान हो गया, फिर दूसरा आता है फ्रैंकल दोष के कारण आने क्लस्टर घनत्व हो जाता है, तो यहाँ पर इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा अपरिवर्तित, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रैंकल दोष के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्लस्टर घनत्व यहाँ पर अपरिवर्तित हो जाएगा, अपरिवर्तित आपका यहाँ पर आपके फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्लस्टर घनत्व यहाँ पर अपरिवर्तित हो जाता है। और तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता यहाँ पर विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, तो इसमें आपको विशिष्ट भर देना। और एसेटिक अम्ल डॉट यहाँ पर विद्युत अवघट है, तो यहाँ पर एसेटिक अम्ल की दुर्बल विद्युत अवघट है, तो आपका जो यहाँ पर डीमा है तो आप यहाँ देखिए एसेटिक अम्ल एक यहाँ पर दुर्बल विद्युत अवघट है, तो तीसरे में आपको यहाँ पर दुर्बल विद्युत अवघट यानी दुर्बल भर देना सिर्फ आपको। और ई माता प्रथम कोटि अभिक्रिया समाकलित दर समीकरण दोनों होता है, तो यहाँ प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण सूत्र होता है, तो यहाँ पर आपको इसमें सूत्र भर देना, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका यहाँ पर सूत्र भर देना है आपको इसमें। और यहाँ पर आपका ऐप आता है आइसक्रीम उपस्थित अवांछित पदार्थ जैसे रेत मिट्टी आदि
यहाँ पर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर वो कहलाते हैं गैंग। यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर एफ में गैंग हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सेट ए और बी का पेपर आ रहा है वो सेम टू सेम यहाँ पर 90 बेस सेम पेपर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर सेट बी के पेपर दिख रहे हैं तो यहाँ पर यानी सेट बी के स्टूडेंट के पेपर दिख रहे हैं तो यहाँ पर सेट बी के पेपर मैं डाल चुका हूँ। अगर नहीं दिखा तो उसकी लिंक आपको यहाँ पर वीडियो डिस्क्रिप्शन में यानी आपको आप मेरे चैनल जाकर देख सकते हैं। सेट बी का पेपर मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का। और साथ ही आपका यहाँ पर जी आता बाग साइड से एलिमुना का सांद्रण डोंटो विधि से किया जाता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ जो मैं आपका पेपर लेके आया हूँ बहुत ही यहाँ पर जल्दी यहाँ पर मैं सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अच्छे सोल्यूशन नहीं कर पाया, जितने यहाँ पर मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ तो मैंने यानी कि अच्छे सोल्यूशन नहीं कर पाया। तो जितने आपके यहाँ पर छूट जाते तो वो आपके नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर सड़ूनी आती है 7 नंबर की कॉलम ए और बी में आपके यहाँ पर सड़ूनी दी गई है। पहली आती है अंता कन्नी घनी जालक और बी आती है फ्रेंकल दोस्त और सी आती है एंटी फ्रीज और डी आती है जिंक आयस्क और ई आती है लो आयस्क एफ आती है सी यू पॉजिटिव और जी आती है एफ ई टू पॉजिटिव। तो जो आपके यहाँ पर दिया आपके यहाँ पर दिख सकती है ई लो आयस्क लो आयस्क को आपको हेमेटाइट से मिला देनी है और जो आपकी डी आती है जिंक आयस्क इसको आपको कैलिमाइन से मिला देनी है और जो आपके यहाँ पर आती है फ्रेंकल दोस्त को आपके यहाँ पर सी एस सी एल से मैच कर देना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर चार आपकी और यहाँ पर रह गई हैं तो चार जो यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि मैं आपके यहाँ पर जल्दी जल्दी ये पेपर लाया हूँ जिससे आपके यहाँ पर हेल्प हो चुके यहाँ पर हेल्प हो सके। तो मैं यहाँ पर सोल्यूशन अच्छे से नहीं कर पाया हूँ तो आपकी चार जो यहाँ पर सड़ूरी रह गई हैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। और साथ ही आपके दो यहाँ पर रिश्तेदार रह गए हैं तो वो उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कराने वाला हूँ जो कि आपके यहाँ पर जल्दी वीडियो आने वाला है। तो आप चैनल सही कर लीजिए और घंटे प्रेस कर लीजिए। आपकी 7 नंबर की मैंने यहाँ पर सड़ूरी करा दी है जो कि 7 नंबर की थी। और फिर आपके यहाँ पर एक साथ बाकी होता है डोपिंग की परिभाषा दीजिए तो ये आपके 7 नंबर के हैं। तो आपके यहाँ पर डोपिंग की परिभाषा देना और बीमा आता सड़कों में बर्फ हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बी रे सी आता है एस आई सी किस प्रकार का ठोस है और डी आता है कोरोस का नियम लिखिए। तो जो आपका डी में का आंसर है वो आपके यहाँ पर देख लीजिए जो आपका कोरोस का नियम है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा। आपके यहाँ पर देखते हैं अनंत है तनुता पर किसी विद्युत अवघट की मूलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मूलर चालकता होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए यार आपका कोरोस का नियम अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट की मूलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मूलर चालकता का योग होती है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये आपका कोरोस का नियम है स्टूडेंट। तो आपको कोरोस का नियम करा दिया। और यहाँ पर क्लोरी व्यंजन का किसके क्रिया कराने पर डी टी डी बनता है तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर कराया जाएगा। और फिर आपका एफ आता यानी एफ आता ऑप्शन संख्या 46 संकुल आयन का आकार होता है। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर है वो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आप यहाँ पर देखते हो ऑप्शन संयोजन संख्या 46 संकुल का आकार होता है तो यहाँ पर होता है आयनिक यहाँ पर यानी गोली आकार होता है। इसका आपको ऑप्शन संख्या 46 संकुल का यहाँ पर गोली आकार होता है तो इसमें आपका एफ में का आपको गोली हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है, 7वां आपके यहाँ पर आता है स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ। 7वां आपका यहाँ पर आता है ईथर का समायावी होता है तो जो आपका ईथर का यहाँ पर समायावी हो जाएगा वो आपके यहाँ पर होने वाला 7वां आपका 7वीं का यहाँ पर ईथर का समाज अभी यहाँ पर होता है इथाइल एल्कोहल यहाँ पर अल्कोहल तो आपका ईथर का समाज अभी यहाँ पर होता है इथाइल एल्कोहल। तो मैंने आपके यहाँ पर 7 नंबर की जो एक सतबाक में होता था वो करा दिए तो आप यहाँ पर स्क्रीन उखा लीजिए आप इसका यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए और सहयोगी का स्क्रीन उखा लीजिए जिससे आपको यहाँ पर आसानी जाए यहाँ पर पेपर को यहाँ पर याद करने में और साथ ही एक सतबाक में होता दिख लीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न आते हैं तो आपका 5वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर असमान अनुमान किसी का दोनों क्वेश्चन है अथवा था किस टू यहाँ पर किस टी ठोस किसी कहते हैं और यहाँ पर आपके 5वीं का अथवा 6वां था संप्रासी विलयन किसी कहते हैं अथवा था अणुसंघ गोधान परिभाषा दीजिए दोनों बार क्वेश्चन है आप देख लीजिए स्टूडेंट। तो जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन था यहाँ पर मैंने करा दिया थोड़ा आपका यहाँ पर रह गया तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखने वाले हैं आप किसी वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सही कर लीजिए आपको इस चैनल पर सोल्यूशन अपलोड कराया जाएगा। और 7वां आता विशेष चालकता किसी कहते हैं आपको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके नंबर कटने वाले क्योंकि आपका ही पेपर आने वाला है। और मैंने आपको पहले बता दिया अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा पढ़ लेना पूरी क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं और रट मारना पूरे आपका यहाँ पर अभी आपका रात का दिन है और सुबह आपको सुबह का दिन है यानी तो पूरा रट मारिए आप इस पेपर को। यहाँ पर आता है 7वां विशेष चालकता किसी कहते हैं दोनों नंबर का आता हुआ था लोहे तांबा के दो दो आयस्क के नाम सूत्र लिखिए तो ये आप देख लीजिए 7वां क्वेश्चन है आपका। 8वां आता है हैलोजन प्रवाल ऑक्सीकर क्यों होते हैं कारण लिखिए दोनों नंबर क्वेश्चन आता होता है एफ टू सी एल टू बी आर टू यहाँ पर एल टू आबंधन विभाजन एंथैल्पी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो ये आपका यहाँ पर दिया जाए 8वीं का आता हुआ जो दो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए जो 5वीं का क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीन उखाड़ लीजिए 6वीं का स्क्रीन उखाड़ लीजिए। फिर चलिए आप यहाँ पर 9वां देख लेती हैं सी एन सी डी बाई एच जी को संक्रमण तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते समझाइए दोनों नंबर क्वेश्चन है अथवा आता यहाँ पर संक्रमण तत्व अंतरकाशी क्यों बनते हैं कारण लिखिए और 10वां आता शून्य कोटि की अभिक्रिया को दान दीजिए अथवा था लेंथेनाइट किसी कहते हैं इनकी कितनी श्रेणियाँ दोनों नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं। और 11वां आता 2 ग्राम यहाँ पर कष्ट छोड़ा यहाँ पर 250 मिलीलीटर बिलियन में
पहला विलियन की मूलत ज्ञात की दुनिया में कहा हुआ था रॉड के नियम को लिखिए और पढ़वा था उत्कृष्ट गैसों की अनुव्या सर्वोच्च होती है क्यों समझाइए। तो आपको यहाँ पर देते हैं अथवा एक्स सी एफ टू की ज्यामितीय आकृति बनाइए। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देते बारह क्वेश्चन करा दिया। तो इसका आप इस पेज का पूरा यहाँ पे स्क्रीन उठा लीजिए। अब यहाँ पर आपका बारे में यहाँ पर तीन क्वेश्चन आता है जो कि आपको तीन मार्क के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए दो यहाँ पर दो किलोरो तीन मेथल पेंटेन और यहाँ पर एक चार डाइब्रोमो ब्यूट और टू एन की संरचना बनाइए। तीन मार्क क्वेश्चन अथवा आता है यहाँ पर एकल स्टाइन अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए। ये आपके यहाँ पर तीन में का अथवा चौदह आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तीन मार्क का अथवा आता है कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं दो उदाहरण दीजिए। फिर आपका पंद्रह क्वेश्चन आता है यहाँ पर स्तर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण दीजिए। तीन बार क्वेश्चन है अथवा आदर्श बार अनादर्श विलयन में आपको तीन अंतर लिखना सिर्फ आपको तीन अंतर लिखना है चार अंतर नहीं लिखना है। तीन नंबर का क्योंकि सूर्यमाता यहाँ पर संक्रमण तत्व समानता रंगीन इवे बनाते हैं कारण दीजिए लिखिए। अथवा लेंथनेट एवं एक्चुअल श्रेणी में आपको तीन अंतर लिखना है। तो ये आपका सोलह क्वेश्चन है आपको मैं करा दिया। सप्तमाता निम्नलिखित ऑप्शन है सूत्र लिखिए। तो आपका पहला आता पोटेशियम यहाँ पर टेट्रासाइनी साइनिडो निकलेट सेकंड इसका आपको यहाँ पर क्या लिखना सूत्र लिखना है और बाद आता है यहाँ पर टेट्रा एमिन डाइकोबाल्ट यहाँ पर थर्ड क्लोराइड इसका आपको यहाँ पर सूत्र लिखना और साथ यहाँ पर हेक्सा एमिन प्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड तो इसका भी आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है। यहाँ पर हेक्सा एक्वाक्रोमियम थर्ड तो इसका भी यहाँ पर सूत्र लिखना है। फिर इसका अथवा आता है तो इन अभिक्रियाओं को आपको पूरा करना है। यहाँ पर दिख लीजिए सातवां क्वेश्चन आप अथवा करवा दिया जो चौदहवां क्वेश्चन है यहाँ से आपके चौदहवां क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो स्टूडेंट दिख लीजिए और अठारहवां क्वेश्चन आपका आता है निम्न को उदाहरण सही समझाइए एंटा एसिड और यहाँ पर एंटी एनफेरिटी ड्रग इनको आपको क्या करना है इनको उदाहरण सही समझाना आपको अथवा निम्न को उदाहरण सही समझाइए धनात्मक अपमाजा और ऋणात्मक अपमाजा को आपको यहाँ पर समझाना यहाँ पर उदाहरण सही। तो आपका पाँच नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका पाँच नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। अब चलिए हम आपके यहाँ पर जो कि आपको उन्नीसवें क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो उन्नीसवें क्वेश्चन आपको आता है बास दाब में आप चेक अनुमान से आप समझते हो और यहाँ पर दे लीजिए और इसकी सहायता से किसे आवासीय विलय का यहाँ पर अनुभव किस प्रकार ज्ञात करोगे। पाँच नंबर क्वेश्चन है अथवा था एक विद्युत अवघट के एक यहाँ पर एक ग्राम को 50 ग्राम व्यंजन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी होती है। व्यंजन के हिमांक में अवनमन स्थिरांक 5.12 kg मोल अनुवास है विलय का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाँच नंबर क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आप इसके स्क्रीन शॉट लगाइए पूरा आपका पेपर मैं करा दिया यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन शॉट लगाइए। तो पूरा पेपर आपका हो चुका साथ ही जो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट के सोल्यूशन था तो थोड़ा यहाँ पर रह गया था आपके और साथ ही जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन वो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में आने वाला पूरा आपका यहाँ पर पाँचवें क्वेश्चन से लेकर आपको 19वें क्वेश्चन तक सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए और घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके जो यहाँ पर कक्षा 12वीं का पेपर है फुल सोल्यूशन साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।